भगत सिंह न तो हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, वो इंसान थे। पहले इंसान होता है तब हिंदू और मुसलमान, जो हिंसा करता है, जो लोगों को सताता है, वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो हैवान है। इतिहास में अगर देखिएगा तो दोस्ती का कितना रहा है हिंदू मुसलमान का। अरे अकबर के दरबार तक तो आप जानते हैं कि अकबर एक मुस्लिम मुगल थे, और उनके दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना भी एक पक्के मुसलमान थे, और उन्होंने रामायण के बारे में क्या कहा है सुन के आपको आश्चर्य होगा। यानी अकबर के दरबार के नवरत्न और एक पक्के मुसलमान, और रामचरित मानस के बारे में कहते हैं रामचरित मानस के मध संतन जीवन खान, हिंदुअन को वेद सन जम नहीं प्रगट कुरान। यानी रामायण जो है हिंदू लोगों के लिए वेद के समान है, और मुसलमान लोगों के लिए साक्षात कुरान। हम नहीं कह रहे, एक मुसलमान और अकबर के दरबार का नवरत्न कह रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश जानते हैं पहले सरदार भगत सिंह गांधी जी के पास गए थे, गांधी जी के पास गए, लेकिन गांधी जी का ही बच्चा है, उन्होंने भेज दिया कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास जाओ। आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी की कहानी अगर सुनेंगे तो कितना लगेगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय प्रताप नाम का अखबार निकालते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आखिर उनका बलिदान हुआ। तो गांधी जी सबको, कांग्रेस कमेटी को आया, सब लोगों ने शोक मनाया, गांधी जी ने कोई शोक नहीं मनाया, और लिख दिया कि मैं भी गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह मौत चाहता हूँ, शहादत चाहता हूँ। शांति के दूत भगवान के दूत होते थे, इसीलिए आप जो शांति का काम कर रहे हैं अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी तहजीब के लिए, राजनीति की बात अलग है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाला इंसान नहीं हैवान को। इन बातों को जरा घर घर में लोग फैला दें। हम बीमार बच्चों के लिए दवा नहीं, पुलिस पर हम खर्च करें, पुलिस पर खर्च करने वाला देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है ज्यादा। जो हिंदुस्तान में सद्भावना को तोड़ते हैं, प्रेम को तोड़ते हैं, वो गरीबों के दुश्मन, बच्चों के दुश्मन, हिंदुस्तान के दुश्मन और भगत सिंह के दुश्मन। 93 साल की उम्र है, लेकिन जब सुनता हूँ और जब प्रकाश जी जैसे, आपके जैसे ये सब लोग जब कुछ करते हैं तो हमको लगता है कि हमारी फिर जवानी लौट आई है। आपकी भी जवानी शांति के काम के लिए हमेशा कारगर रहे, यही प्रार्थना के साथ आप लोगों को धन्यवाद।